अभिराम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले त्रिकोणमिति अनुपात का जो चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का, उसमें 6.1 एक्सरसाइज के अपन ने 1-5 क्वेश्चन कर लिए थे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 1-5 मिल जाएंगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 6-10 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फोर कोड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। वापस क्वेश्चन देख लें, फोर कोड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन में सबसे पहले फोर कोट 45 डिग्री, कोट 45 और टेन 45 की वैल्यू सेम होती हैं, कितनी होती है 1 स्क्वायर माइनस सेक 60। सेक 60 को किस तरह से सोचेंगे, सेक इसका उल्टा होता है कोस का, यानी मुझे कोस 60 की वैल्यूज को उल्टा करना है, लेकिन कोस 60 की वैल्यूज वही होती हैं जो साइन 30 की होती है, क्योंकि कोस 60 और 30 90, तो कोस 60 की वैल्यूज वही होती हैं जो साइन 30 की होती है। साइन 30 की वैल्यूज कितनी होती है 1/2, 1/2 को जस्ट उल्टा करें तो अपने पास में आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यूज √3/2 इनका होल स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यूज वही होती हैं जो साइन 0 की होती है, साइन 0 की वैल्यूज कितनी होती हैं 0 इनका स्क्वायर। नेक्स्ट यदि इसको सोल्व करें आगे तो 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाए, 4 माइनस 4 प्लस 3/4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 3/4, ये इसके आंसर होंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर अपने पास में कितने मिलते हैं 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। वापस देख लेते क्वेश्चन, 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को यदि सोल्व किया जाए तो अपने पास में 4 इज डिवाइड बाय कोट 30 की वैल्यूज क्या होगी 10 में, कोट 30 की वैल्यूज 10 में 60, और टेन 60 डिग्री की वैल्यूज मैंने आपको 10 की लाइन बताई थी 0, 1/√3, फिर कौन जाएगा 1, फिर कौन जाएगा √3, और फिर कौन आएगा इन्फिनिटी, यानी 0, 30, 45, 60। तो कोट 30 की वैल्यूज वही होगी जो 10 में 60 डिग्री की वैल्यूज कितनी √3 इनका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यूज 1/2 और इनका स्क्वायर माइनस कोस 45 की वैल्यूज 1/√2 और इनका भी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज 4√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 1/2 इनका स्क्वायर, यानी 1/4, डिवाइड का लिखना है ऊपर, यानी प्लस 4, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2। मेरे पास में ये स्टेप आती है, इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं, इसमें 3 भी ले लेते हैं, 1 भी ले लेते हैं और 2 भी ले लेते हैं। मैंने तीनों ही एलसीएम में ले लिए, 3 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। पहले मैंने देखा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1 × 2 कितना होगा 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, यानी 8 प्लस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 3 भी बचा और 2 भी बचा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 × 1, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी 3, सबको प्लस कर लेते हैं 8 और 24 कितना हो जाएगा 32,
माइनस थ्री इज डिवाइड बाय थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स, यहाँ से 32 माइनस थ्री इट मीन्स 29 इज डिवाइड बाय सिक्स, ये इसके आंसर होंगे क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा और अपने पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 29 इज डिवाइड बाय सिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर होंगे क्योंकि क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट अपने को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एट, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इज डिवाइड बाय थ्री सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस कोजेक स्क्वायर सिक्सटी डिग्री माइनस कोट स्क्वायर थर्टी डिग्री। तो अपने को इसको सोल्व कर रहे हैं, वापस देख ले क्वेश्चन, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज डिवाइड बाय थ्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोजेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, सबसे फर्स्ट अपने को नज़र आता है टेन सिक्सटी डिग्री जीरो वन बाय रूट थ्री फिर वन फिर रूट थ्री और इसका होल स्क्वायर प्लस फोर साइन 45 की वैल्यू जीरो वन बाय रूट टू इसका स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यूज वन इसका भी स्क्वायर इज डिवाइड बाय थ्री सेक 30, सेक इसका उल्टा, सेक कोस का, यानी मुझे कोस 30 की वैल्यूज को उल्टा करना है। कोस 30 की वैल्यूज वही होती है जो साइन, कोस 30 की वैल्यूज वही होती है जो साइन में 60 की वैल्यूज, साइन 60 की वैल्यूज को उल्टा। साइन 60 कितना, जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू और रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू का उल्टा यानी टू बाय रूट थ्री इसका स्क्वायर प्लस कोजेक 60, कोजेक इसका उल्टा साइन का यानी साइन 60 का उल्टा, साइन 60 की वैल्यूज रूट थ्री बाई टू उसका उल्टा टू बाय रूट थ्री इसका भी स्क्वायर करना है माइनस कोट 30, कोट 30 की वैल्यूज 1060 के इक्वल, 1060 की वैल्यूज रूट थ्री इसका स्क्वायर। नेक्स्ट रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड 1 इज डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज डिवाइड बाय रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बना लें, नेक्स्ट स्टेप अपने पास में आ जाएगा 3 प्लस ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम 2 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस 4 इज डिवाइड बाय 3 माइनस 3। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बना ली जाए 3 प्लस 2 5 और 1 6 इज डिवाइड बाय, यहाँ से 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इज डिवाइड बाय 3। डिवाइड का एलसीएम ले लिया जाए, यदि डिवाइड का एलसीएम लें तो अपने पास में आएगा 6 इज डिवाइड बाय एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 1, 1 भी आया 3 भी आया, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से यानी 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा 1 को 4 से तो 4, डिवाइड कहाँ जाएगा पर यानी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज डिवाइड बाय 4 और 3 7, यहाँ से अपने पास में 6 इंटू 3 18 इज डिवाइड बाय 7, यही इसके आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर अपने पास में आए हैं 18 इज डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के आंसर अपने को मिले हैं 18 इज डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन नंबर नाइन है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री
प्लस 2 cos 0 डिग्री इज डिवाइड बाय 2 cos 0 डिग्री इज डिवाइड बाय 10 30 डिग्री और 10 60 डिग्री। इसको अपने को सोल्व करना है। सोल्व करें तो अपने पास में sin 30 की वैल्यूज 1 बाय 2 माइनस sin 90 की वैल्यूज 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यूज वही होती है जो sin 90 की होती है। sin 90 की वैल्यूज कितनी 1 इज डिवाइड बाय 10 30 की वैल्यूज कितनी 1 बाय रूट 3 इज मल्टीप्लाई 10 60 की वैल्यूज रूट 3। यहाँ से इसको सोल्व किया जाए तो 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 इज डिवाइड बाय रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कितना बचेगा 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उसको लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अपन इसको सोल्व कर लें 1 बाई 2 और माइनस 1 प्लस 2 इट मीन्स प्लस के 1। यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आएगा 2 भी आएगा 1 भी आएगा। 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल 2 बचा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 तो 1 और 2 कितना हो गया 3 इज डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर होंगे 3/2 क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको अपने को सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करें तो सबसे फर्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए 2 10 30 की वैल्यू 0 1 बाई रूट 3 इज डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से 2 डिवाइड बाय रूट 3 इज डिवाइड बाय, क्योंकि 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड में रूट 3 रहेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ से इसको सोल्व करें तो ऊपर तो चल रहा है 2 इज डिवाइड बाय रूट 3 इज डिवाइड बाय, इसका एलसीएम ले लिया जाए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, 1 और 3 एलसीएम आएगा, 1 भी आएगा 3 भी, 1 से 1 कैंसिल 3 बचा 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1। नेक्स्ट स्टेप यदि इसकी बना ली जाए तो अपने पास में आएगा 2 इज डिवाइड बाय रूट 3 तो ऊपर चल रहा है इज डिवाइड बाय, यहाँ कितना रहेगा 2 इज डिवाइड बाय 3। यहाँ से डिवाइड का डिवाइड उल्टा कर लें, यहाँ 2 बाय रूट 3, ये डिवाइड का डिवाइड वाला हमेशा ऊपर जाएगा, ऊपर कौन जाएगा 3 और डिवाइड में रहेगा 2, 2 से 2 कैंसिल 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इज डिवाइड बाय रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आएगा अपने पास में रूट 3। यानी क्वेश्चन नंबर 10 के अपने पास में आंसर आ चुके हैं रूट 3। तो आज अपने क्वेश्चन नंबर 6 to 10th अपन ने सोल्व कर लिए हैं। इससे पहले के वीडियोस में भी 1 to 5 अपन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।